और अब आज का बेहद ही गंभीर विषय है, उस गंभीर विषय पर हम चर्चा कर लें थोड़ा सा आप लोगों से। आप लोगों का सवाल भी है कि सर कैसे जो है छुटकारा पाया जाए, यही है ना विचार। देखो अगर तुमको छुटकारा पाना है ऐसे विषयों से, ठीक ना, और तुम जो है लड़का हो, लड़का लड़की के लिए दोनों के लिए अलग अलग उपाय होता है। डॉक्टर सूरज कुमार, लवेरिया स्पेशलिस्ट, ठीक है, यहाँ पे विशेषज्ञ हैं इसके, और आपको जो दवा देंगे वो दवा काम करेगा। फॉर बॉय अलग, बैलों के लिए जो है वो अलग दवा की व्यवस्था है, और गर्ल्स यानी परियों के लिए अलग व्यवस्था की आवश्यकता है। इसकी जो बीमारी है उस बीमारी को चरना कहा जाता है, ग्रेजिंग कहा जाता है, चरना यानी ग्रेजिंग। पहले आपको बीमारी समझना होगा, क्योंकि बीमारी नहीं समझेंगे तो इलाज नहीं कर पाएंगे, तो बीमारी समझना भी बड़ा आवश्यक है। और इसकी बीमारी को उड़ना कहा जाता है, उड़ना, ठीक है, फ्लाइंग जो है, फ्लाइंग, उड़ना कहा जाता है। इस बीमारी में दोनों के लक्षण सामान्य हैं। लक्षण अगर देखा जाए, इसके लक्षण अगर सिम्टम्स की बात किया जाए, तो पगला जैसा बिहेव करना, पगला जैसा व्यवहार, और यहाँ भी बहुत व्यापक अंतर नहीं आता है, व्यवहार जो है यहाँ बस पगला, ये पगली टाइप बिहेव करती है, पगली जैसा व्यवहार जो है, पगली जैसा व्यवहार। उसको लगता है कि हमसे बढ़िया होशियार कोई है ही नहीं, इसको लगता है हमसे भी दुनिया में कोई ज़्यादा काबिल जो है वह नहीं है। इन दोनों लक्षणों का जब आगमन हो जाए तो आप समझिए आप इस बीमारी के जो है वह शिकार हो चुके हैं। ठीक, ध्यान से सुनना, तुम्हारा बीमारी यहीं से दूर होगा। इस बीमारी को दूर करने के लिए आपको 21 दिन का ट्रीटमेंट चाहिए, लड़का लड़कियों को अलग अलग। लड़कों के अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो लड़कों के ट्रीटमेंट में जो है पहला दिन पिताजी से मुलाकात करके हमसे बात करवाना, जो है हमसे बात करवाओगे तो उनको हम दो तरीका बताएंगे। एक तरीका है सुबह शाम जो है दो डंडा बिना बताए, अगर बता दिया तो नहीं काम करेगा, बिना बताए, ठीक है, दो डंडा। कभी भी आप जो है कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं और बिना कहे दो डंडा आपको दे दिया गया तो आपका ये बीमारी जो यहाँ पे ठीक होगा। और इस बीमारी में पिताजी चूंकि जो है वो नहीं मारते हैं लड़कियों को, इसीलिए माताजी जो है लड़कियों के लिए उपयुक्त है, तो माताजी को ये आप बताइएगा। यहाँ माताजी बिना बताए जो है गर्म पानी में आपका मुंह जो है दो बार डुबोएं, ध्यान रहे पानी इतना गर्म ना हो कि चेहरा जल जाए, पानी की मात्रा को जो है वो कंट्रोल करना है हमारा, नहीं तो फिर दोष मत दे देना, ये कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। अगर पानी का मात्रा कंट्रोल नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत होगा, पानी की मात्रा को कंट्रोल रखना है, लेकिन इतना जरा देना है कि बार बार चेहरा ना देखें, बार बार चेहरा ना देखें। अगर ये बार बार अभी भी चेहरा देने वाला लक्षण आ रहा है तो ये समस्या जो हुआ बनी रहेगी, ठीक है। और यहाँ बिना बताए सुबह शाम जो है वह डोज देना है। फिर दूसरा स्टेप आता है, माताजी की विनती करानी होगी, क्योंकि माताजी तो परेशान हो जाएंगे आपको देख के, मेरा लल्ला, माताजी लल्ला कहती हैं, मेरा लल्ला को क्या हो गया, मेरा लल्ला तो जो है एकदम जो है कल्ला टाइप का हो गया है। तो इसके लिए आपको जो है माताजी कहेंगी शनिदेव की पूजा करिए, शनिदेव की पूजा शनिवार को काला कपड़ा में कुछ बांध के जो है काला कपड़ा पहन लेना उस दिन जो है, और काला कपड़ा पहन के आपको शनि देवता का जो है इसमें आराधना करना है। और यहाँ पे पिताजी की एंट्री कराएंगे तो पिताजी जो है थोड़ा सा आपको प्यार से समझाएं, तो इसके लिए थोड़ा कम ट्रीटमेंट देते हैं, प्यार से समझाएं कि बाबू ऐसा करोगे तो घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा, घर से बाहर कदम नहीं रखने देंगे, ये एकदम नुस्खा है, इसे नुस्खा फेल नहीं करता है, ठीक है। तो ये आप जब इस चीज़ का फॉलो करेंगे तो आपका जो है आपकी बीमारियाँ जो है दूर हो जाएगी। 21 दिन का ये कम से कम डोज है, स्टेप वन का है ये, 21 दिन की दवाई, 21 डेज का जो है ये आपकी दवाई है। क्योंकि अब ठंडी है ना तो हाथ काम नहीं कर रहे तो हम बहुत साफ साफ लिखते जो है, ठीक है। लक्षण में ध्यान रखना, इसका लक्षण चरना और इसका लक्षण उड़ना, जब तक सिम्टम्स नहीं समझ में आएगा तब तक जो है इसका निदान भी नहीं हो पाएगा। और भी कई इसके कई स्टेप हैं, आप अगर दो चार स्टेप आगे गए तो इसका बीमारी का इलाज हम फिर अलग देंगे, लेकिन ये हम जो है प्राइमरी स्टेज में इसका ही ट्रीटमेंट करेंगे। 21 दिन तक फॉलो करिए जो है, और फिर आप हमसे 21 दिन के बाद डॉक्टर साहब से मिलिए। पहला तो जो डोज है वो फ्री है, लेकिन अब जब आगे मिलेंगे तो फिर हमसे मुलाकात करनी होगी और आपको 1000 रुपया जो हमको देना होगा, रुपया 1000, तब हम व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल होंगे, ठीक है। फिर आपको गाइड करेंगे आगे के लिए, कि हर चीज़ फ्री में तो हो नहीं सकता है, तो कुछ चीज़ें जो है वो आपको देनी होगी, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको इस बीमारी से दूर किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। तो ये प्रिस्क्रिप्शन जो है वो याद रखिएगा, ठीक। तो हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी कल, लेकिन वो गाना तुमको जाते जाते सुना दे रहे हैं, पढ़ते पढ़ते थक चुके होते, गाना सुना दे रहे हैं। गाना है देखो, कि जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जाने दिल पे
होगा क्या असर, रखेंगे तुमको निगाहों में, भर लेंगे तुम्हें बाहों में, इश्क में दुनिया भुला देंगे। लिरिक्स भूल गए यार तुम लोग, आज ऐसा बीमारी का हम बताएं क्या, उसी बीमारी वाला ही गाना है तो लिरिक्स से भूल गए जो है हम, ठीक ना। चलिए।